एवरीवन, वेलकम बैक टू पैम ब्लॉग्स। आज की वीडियो में आपको बहुत अच्छा आइडिया मिलने वाला है कि अगर आप मल्टीपल प्लांट्स लगाना चाहते हो एक ही सिंगल पॉट में तो आप उसको कैसे लगा सकते हो। अगर आपके पास स्पेस की कमी है तो बहुत यूजफुल है आपके लिए ये वीडियो। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए। ये आपके पास एक्स्ट्रा बालकोनी नहीं है या फिर आपके पास एक्स्ट्रा जगह नहीं है गार्डन बनाने के लिए, तो आप छोटे से पॉट में या फिर थोड़े से बड़े पॉट में मल्टीपल कलर के प्लांट्स लगा सकते हो और उससे आपको बहुत ही अच्छी फीलिंग आएगी। एंड ये देखिए, काफ़ी अच्छे आइडियाज़ दिए मैंने इस वीडियो में। आप कुलिस के कलरफुल प्लांट्स लगा सकते हो एंड कुछ ऐसे कलर्स वाले प्लांट आते हैं जिसको आप मिक्स मैच कर सकते हो। इससे बहुत ही अट्रैक्टिव सा आपका छोटा सा गार्डन बन जाएगा एंड इसके साथ आप और छोटे दो तीन पॉट ऐड कर सकते हो। लाइक अगर आपके पास बड़े वाला पॉट है तो आप उसमें हर तरह के फूल के प्लांट लगा सकते हो, छोटे छोटे डेंथस के प्लांट्स लगा सकते हो। एंड अगर आपको रोजेस पसंद है तो आप हर कलर के रोजेस लगा सकते हो, बट गमले का साइज थोड़ा सा बड़ा रखिए। एंड आप मनी प्लांट लगा सकते हो एरिका पाम के साथ। अगर आपके पास एरिका पाम का प्लांट ऑलरेडी है उसके नीचे स्पेस अगर खाली पड़ी हो तो उसको आप ऐसे यूज़ कर सकते हो ताकि वो और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। एंड बीच में आप एक दो फ्लावर्स के प्लांट भी लगा सकते हो, पूरा का पूरा ही आपका जो गमला है वो कलर कॉम्बिनेशन से भर जाएगा एंड बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं फ्लावर्स के कलर। एंड आप इसको घर के एंट्रेंस पे भी रख सकते हो, बहुत अट्रैक्टिव लुक आएगा एंड काफ़ी पॉजिटिविटी आती है। अगर आपके घर में ग्रीनरी है या फ्लावर्स हैं जो कि नए नए खिले होते हैं, बहुत ही अच्छी खुशबू भी आती है। एंड नेक्स्ट आइडिया देखिए, आप सिंगोनियम के हर तरह के प्लांट्स को कॉम्बिनेशन कर सकते हो। लाइक आप मनी प्लांट, सिंगोनियम, पिटोनिया, हर तरह के कॉम्बिनेशन कर सकते हो। ये देखिए, एक तरह से इसको शेप देके ट्री बनाया गया है, बट ये ट्री नहीं है, इसमें जो वायर से गोल तरह का फुटबॉल होता है उस तरह की शेप देके इस तरह से इसको प्लांट्स को डिज़ाइन किया गया है। एंड नेक्स्ट देखिए, कॉम्बिनेशन बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। पर्पल लीव्स वाला कोई भी प्लांट ले सकते हो आप, लाइक आप कोलियस ले सकते हो और इसको फर्न, एंड इसमें सॉन्ग ऑफ इंडिया का एक प्लांट है और कुछ रेड कलर के फ्लावर्स हैं। एंड सिंगोनियम की काफ़ी वैरायटी आती है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। इस तरह के कॉम्बिनेशन भी बहुत सुंदर लगते हैं। अगर आप इसमें थोड़ा सा डार्क ग्रीन कलर वाला सिंगोनियम ऐड करेंगे तो बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल लगेगा। सो आप इससे भी अच्छा आइडिया ले सकते हो। एंड नेक्स्ट देखिए, ये देखिए, ये अरबी का प्लांट है जो बड़े वाले पत्ते हैं एंड छोटा वाला है जो सिंगोनियम है। इस तरह का कॉम्बिनेशन भी बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। इसके नीचे अगर आप व्हाइट कलर का पॉट रखेंगे तो काफ़ी ब्यूटीफुल लुक आएगी। अगर आपके पास ऑलरेडी सिंगोनियम है तो आप इसको ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं। सो नेक्स्ट देखिए, काफ़ी हाइट में है ये गमला और इसमें कितने सारे ब्यूटीफुल प्लांट्स लगा रखे हैं। काफ़ी सारे तरह की वैरायटी है इसमें फूलों की एंड एक इसमें एरिका पाम भी लगा हुआ है। सो आप इसको ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट देखिए, एक बॉल बना के उसके नीचे इन्होंने जो ऊपर की साइड सकुलेंट प्लांट है और नीचे भी सकुलेंट है, इसको ये एक तरह से इसकी वेल होती है। काफ़ी तरह के सकुलेंट प्लांट्स आते हैं, आप इनको भी ट्राई कर सकते हैं। एंड अगर आप ऐसे चाहो तो आप ऐसे भी एक बंच बना सकते हैं। अगर कोई ओल्ड बास्केट पड़ी है आपके पास बड़ी सी, उसमें भी आप हर तरह के सकुलेंट लगा सकते हैं। इनको ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं होती और ये ब्यूटीफुल बहुत ज़्यादा लगते हैं। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिए एंड पैम ब्लॉग्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।